और मैं ये बोल रही थी उस वीडियो में कि कहीं ना कहीं जो सौरभ जोशी के फैंस हैं उन्होंने मेरी स्कूटी का एक्सीडेंट करवाया है, जिसकी वजह से मुझे गंभीर चोटें लगी हैं। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलती जा रही है, शर्म नहीं आती। जिस दिन से मिली है उस दिन से झूठ पे झूठ बोलती जा रही है। शक्ल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोभड़ी है। पहले तो सब बड़े यूट्यूबर्स को रोस्ट करेगी, फिर बाद में एक माफी मांगने वाली वीडियो बनाकर बोलेगी, मतलब एकदम ही इसने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। जून रोस्ट कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल। अब तो तुम लोगों को ये भी मालूम होगा कि पागल जोन ने माफ करना वो गुस्से में इधर उधर निकल। तो फाइनली पायल जोन ने सौरभ जैसी ब्लॉग्स को सॉरी कहा है। क्या बात करता है यार। दोस्तों अपनी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने कुछ कन्फेस करना चाहती हूँ। गाइस काफी लंबे समय से ये बात मैं आपको बताना चाहती थी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लेकिन बता नहीं पा रही थी, मुझे काफी हिचकिचाहट महसूस हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बात शेयर करने पर आप लोग मुझे जज करेंगे। वो तो हम वैसे भी करेंगे दीदी। सो गाइस ये बात जो है आज से करीब एक महीने पुरानी है। आज से करीब एक महीने पहले मैंने अपने चैनल पर एक वीडियो डाला था जिसका टाइटल मैंने रखा था कि सौरभ जोशी फैंस डिड दिस टू मी। इस तरीके का मैंने उस वीडियो का थंबनेल बनाया था। क्या थंबनेल और टाइटल बनाया है? मल्टी मल्टी बची पायल जो ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो इस थंबनेल में और वीडियो के अंदर भी मैंने ऐसा किया था कि मैंने अपने सर पर और अपने आंख पर इस एरिया पर मैंने पट्टी बांधी थी। चमाइल्ला इतनी प्लानिंग अपनी पढ़ाई में की होती तो अभी आईएएस होती। कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये बात बहुत ज्यादा खा रही थी। एक तो ये बात कि मैंने यार टाइटल में सौरभ जोशी का नाम लिख दिया बिना ही वजह, क्योंकि सौरभ जोशी का वहाँ पे कोई रोल ही नहीं था। मैंने पहले सोचा था कि मैं कैरी मिनाटी का नाम लिखूंगी। मरना तेरे को डर नहीं लगता? कैरी का रोस्ट करेगी साले, मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा 200 में बिक जाएगा। कैरी मिनाटी के फैंस तो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, पता नहीं क्या क्या लिखने लग जाएंगे। तो वो थोड़ा सा यू नो हिचकिचाहट में मैंने सौरभ जोशी का नाम लिख दिया। डर गई बहन, डर गई बहन, डर गई। म्यूजिक और बस थोड़ी सी रीच के लिए मैंने वो प्रैंक करने की कोशिश करी थी, बट वो प्रैंक से ज्यादा यू नो थोड़ा सीरियस मोड में वो वीडियो चला गया, क्योंकि मैंने लोगों को बताया नहीं कि वो प्रैंक था। क्या बोला तूने? बताया नहीं है, बताने का मन नहीं था, क्योंकि तू तो वैसे भी बहुत चालाक है। पहले किसी बड़े यूट्यूबर को रोस्ट करेगी, फिर कमेंट बॉक्स में गालियां देखकर एक माफी वाली वीडियो बना देगी और फिर बोलेगी ये एक प्रैंक था। शर्म करो, भगवान से डरो। हम जैसे क्रिएटर्स है जो कि लॉन्ग वीडियोस बना रहे हैं उनको उतनी ज्यादा रीच नहीं मिल रही है। मुझे खुद भी अब उतनी रीच नहीं मिल रही है जितनी पहले मिलती थी। अच्छा दीदी तुम एक बात बताओ, तुम रोस्टिंग से सीधे यूट्यूब एल्गोरिथम की बात क्यों करने लगी? कोई सेंस है इस बात की? तो इसलिए मैं सौरभ जोशी को सॉरी बोलूंगी कि भाई सॉरी मैंने आपको इस तरीके से नाम लिखा। बस इसलिए लिख दिया कि चलो सौरभ जोशी तो यू नो उनके फैंस भी इतने ज्यादा टॉक्सिक नहीं है, मोस्टली छोटे बच्चे उनके फैंस। तू कैसे जानती है कि छोटे बच्चे हैं या जवान लड़के? जो मन में है वो हकते जा रही है। आप आशीर बना दिए हो। कैरी मिनाटी का नाम लिखने से पहले मैं थोड़ी यू नो हिचकिचा गई, तो इसलिए मैंने कैरी मिनाटी का नाम नहीं लिखा। हाँ तो कैरी मिनाटी का नाम लिखेगी तो उसके फैंस तुझे ढो डालेंगे ना, वो भी बिना सर्फ एक्सल के। सो गाइस बस यही एक बात थी जो मैं आपको बताना चाहती थी कि एक कन्फेशन था मेरे को। बहुत दिन से मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ ये सारी बातें सोच सोच के। अच्छा बोले ऐसा होता है कि यार मैंने कैसे यू नो सौरभ जोशी इतने जो भोले भाले इंसान है इतने सीधे साधे हैं उनका मैंने इस तरीके से नाम लिखा। अबे इतनी भी शरीफ बनने की कोशिश ना करो, जब भोला वाला था ये तो रोज क्यों किया? अब मैं बताता हूँ क्यों किया, क्योंकि इसको चाहिए व्यूज और पैसा पैसा पैसा। मुझे खुद भी बाद में काफी ज्यादा बैड फील हुआ, काफी ज्यादा सॉरी फील हुआ कि मेरे को ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उनको इतनी चीजें जितनी मैंने बोली है। झूठ बोली है ये, हर बार एक नया झूठ बोलती है। और मैं इतना झूठ नहीं सुन सकता, नहीं तो मेरे कानों से खून बहने लगेगा। तो मैं चला अपनी कानों की रक्षा करने। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब वाला बटन भी दबा लेना। मैं चला, जय श्री राम, सत श्री अकाल।